हेलो फ्रेंड, नीटिंग डिज़ाइन में देखिए मैं एक तिरछी डिज़ाइन लेके आई हूँ। यहाँ पे बेस यहाँ पे येलो कलर से है और ये हमारी ये तिरछी डिज़ाइन डाल रहे हैं और साइड में अब हमारा ये ग्रीन कलर आए और जब धीरे धीरे ये स्वेटर हमारा बढ़ता जाएगा तो यहाँ ग्रीन के फंदे बढ़ते जाएंगे और येलो के फंदे कम होते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैं पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी हमारी ये डिज़ाइन बन रही है। आप इसे किसी भी स्वेटर में, पुलोवर में, कहीं भी बना सकते हैं। बेबी ब्लैंकेट पे भी ये तिरछी डिज़ाइन बनाइए, बहुत ही खूबसूरत और प्यारे स्वेटर बन के आएगा। और यहाँ पे मैं ये स्वेटर जो है वो 2 से 3 साल के बच्चे का बना रही हूँ, जिसमें मैंने नीचे 85 फंदे डाले हैं और ये डिज़ाइन बिल्कुल यहाँ सेंटर से शुरू होगी और ऊपर तक जाएगी। तो आइए हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। ये देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पहले हमें बॉर्डर बनाना होगा और आप अपने स्वेटर में कितने भी फंदे डाल सकते हैं। इसे में किसी भी मल्टीपल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ शुरू से हमारे फंदे स्टार्ट होंगे। तो बॉर्डर बनाने के बाद ही हमारे यहाँ पे सारे कलर लगेंगे। तो अब यहाँ पे मैं एक कलर ले रही हूँ ग्रीन, और ये देखिए ग्रीन कलर से हमारा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, ये 7 फंदे हमारे ग्रीन से हो गए। फिर अब यहाँ पे हमारा दूसरा कलर आ जाएगा और यहाँ पे हमने वाइट लिया है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। हर कलर को 7 7 फंदे बनेंगे और वाइट के बाद हमने रेड कलर ले लिया है और इससे भी 7 फंदे हम बनाएंगे। ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7। फिर यहाँ पे हमारा दूसरा कलर आएगा और यहाँ मैंने ब्लू कलर ले लिया है और इससे भी मैं 7 फंदे ही बनाऊंगी। ये 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 कलर हमारे लग चुके हैं और अब यहाँ से जितने भी फंदे हमारे बचे हैं उन्हें हम येलो कलर से बनाएंगे। जिस कलर से हमारा बॉर्डर है उस कलर से हमें सारे फंदों को फिर बुन लेना है। तो बना करके फिर आपको बताते हैं। ये देखिए बैक साइड की रो नंबर 2 है, इसमें भी जितने येलो फंदे थे मैंने येलो कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इस पहले वाले ब्लू को भी हमें येलो कलर कर देना है और यहाँ से फिर हर कलर से हमारे 7 फंदे बनेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 रेड वाला ले लेंगे तो ये 7 हो जाएंगे। अब फिर यहाँ से हम 7 फंदे रेड के बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। फिर हमारा वाइट आ जाएगा और वाइट से भी हम 7 फंदे बनाएंगे। ये 1 मैंने कर लिया, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। अब यहाँ पे ग्रीन कलर से हमारे सिर्फ 6 फंदे ही रहेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। और ये देखिए रो नंबर 3 में यहाँ से भी हमें ग्रीन के 1 कम हो जाएंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5 फंदे ही करेंगे और ये वाला ग्रीन जो है अब हमारा वाइट हो जाएगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। हर बार हर कलर हमारे 7 फंदे ही बनेंगे। अब हम रेड कलर से भी 7 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। अब हमारा ब्लू आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। और लास्ट वाला जो ब्लू है अब यहाँ से हमारे सारे फंदे
येलो कलर से हो जाएंगे। ये देखिए अब हम रो नंबर 4 पे हैं, इसमें भी येलो को येलो से कर लिया है और इस एक ब्लू को भी हम येलो कर देंगे, जैसे हमने रो 2 में किया था वैसे ही करना है। और फिर यहाँ से हर कलर के 7 फंदे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। अब हमारा यहाँ रेड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे रेड। वाइट कलर से भी 7 फंदे बनेंगे, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अब वाइट कलर से 1, 2, 3 और एक 4। ये देखिए अब यहाँ पे हमारे ग्रीन के फंदे कम हो रहे हैं और एक एक फंदे हमारे आगे इधर की साइड बढ़ते जा रहे हैं। तो अब ये हमारी रो नंबर 5, इसमें भी ग्रीन वाले को एक उतार लिया, ये 2, 3 फंदे ही ग्रीन के। अब यहाँ से हर कलर के 7 फंदे, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। अब यहाँ पे हमारा रेड कलर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ब्लू कलर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर ये लास्ट वाला ब्लू जो है वो हमारा येलो हो जाएगा और यहाँ से सारे फंदे हमारे येलो से। ये देखिए रो 6 में भी मैंने येलो को येलो से कर लिया है और हर बार की तरह इस एक ब्लू फंदे को भी हम येलो कलर कर देंगे और फिर यहाँ से हर कलर से हमारे 7 फंदे बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। फिर वाइट से भी 7 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब यहाँ ग्रीन से हमारे 1, 2 फंदे ही रहेंगे। ये देखिए रो 6 तक हमारी ये एक डिज़ाइन बन गई। अब यहाँ से फिर इसी डिज़ाइन को कैसे रिपीट करेंगे ये मैं बताती हूँ। अब यहाँ से हमारे ग्रीन के फंदे जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस ग्रीन को ग्रीन ही करेंगे और जो ये 7 फंदे वाइट के हैं ये भी अब हमारे ग्रीन हो जाएंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। ये देखिए ग्रीन कलर जो था वो वाइट के ऊपर आ गया। अब इस रेड के ऊपर हमारा रेड के बगल में वाइट है तो यहाँ 7 फंदे अब हमारे वाइट कलर से हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब वाइट के बाद देखिए हमने रेड कलर लगाया था तो अब हमारे 7 फंदे रेड से हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 रेड के बाद हमारा ब्लू कलर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। अब इस 7 ब्लू के बाद सारे फंदे हमारे येलो कलर से हो जाएंगे। तो ये देखिए अब हमारे ये कलर एडजस्ट हो चुके हैं। तो जैसे मैं रो 1 से रो 6 तक हमने बनाया था वैसे ही अब हमारे रो 1 से रो 6 तक बनेंगे। अब ये ग्रीन कलर हमारा यहाँ पे आ गया है, अब वाइट के फंदे फिर आगे बढ़ेंगे तो रो 6 तक फिर हम बना करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने 6 सिलाइयाँ बना ली हैं, जैसे नीचे रो 1 से 6 तक बनी थी वैसे ही यहाँ पे मैंने रो 1 से 6 तक कर ली। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन के फंदे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अब इस बार यहाँ पे हमारे 4 फंदे ग्रीन हैं, तो जैसे यहाँ 7th रो पे फंदे चेंज हुए थे कलर वैसे ही यहाँ भी करना है। तो पहले हमें
इस ग्रीन को ग्रीन कलर से ही कर लेना है, और इस वाइट वाले फंदे को भी ग्रीन करना है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8, 7। अब इस रेड फंदे को फिर हमें वाइट कलर से कर देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस ब्लू वाले फंदे को अब रेड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और रेड के बाद हमारा ब्लू कलर है, तो अब यहाँ पे हमारा ब्लू कलर आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके बाद फिर हमारा येलो, बाकी के फिर सारे फंदे हम येलो से बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी, रो 1 से लेकर रो 6, फिर यहाँ रो 1 से लेकर 6 यहाँ, और इस तरह से, और 7th रो पे जब हम आएंगे तो ये ग्रीन के फंदे यहाँ वाइट के ऊपर तक आ जाएंगे, और फिर हमारा ये वाइट, रेड, ब्लू और येलो। और इसी तरह हम इस डिज़ाइन को जब बार बार रिपीट करेंगे तो हमारी ये डिज़ाइन बनकर स्वेटर बनकर तैयार होगा, और इधर से हमारे ग्रीन के फंदे बढ़ते जाएंगे और इधर से हमारे येलो के फंदे कम होते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये तिरछी बनाई डिज़ाइन जो है बन करके तैयार हो गई। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।